नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण। आप देख रहे हैं स्पार्क R&D। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन मैटलैब। इन्हीं ऑपरेटर्स की हेल्प से हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैटलैब के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए। जैसे हम बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ घटाना, गुना भाग एक्सेट्रा, यही सब चीज़ें हम यहाँ पर भी करने वाले हैं ताकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस कर पाएँ ईजीली। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए मैटलैब ओपन कर लें। ओपन करने के बाद हम न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई फाइल ओपन हो गई है मैटलैब की कोड के लिए। तो हम जो भी यहाँ पर कमांड्स लिखेंगे वो स्टोर होती रहेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो ऑपरेशंस कवर करेंगे वो होंगे एरिथमेटिक ऑपरेशंस। एरिथमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से एक वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। इनफैक्ट दो वेरिएबल हम असाइन कर लेते हैं, ए और बी। इन दो वेरिएबल का ही हम डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे। ओके, एक सी वेरिएबल भी ले लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसमें हम इजीली कुछ कर पाएँ। तो सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम एडिशन ऑपरेशन करना चाहते हैं। एक मैंने वेरिएबल ले लिया सम, सम में हम a प्लस बी, ए और b का एडिशन करना चाहते हैं, वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे। F5 की जगह आप रन भी प्रेस कर सकते हो। तो ये सबसे पहले हमें पूछ रहा है सम करने के लिए, तो इसको मैं एरिथमेटिक के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी करेंट डायरेक्टरी है, एक डायरेक्टरी मैंने डेस्कटॉप पर बना रखी है बेसिक ऑपरेशंस के नाम से, जिसके अंदर हम ये एरिथमेटिक डॉट एम, इसमें हमारा ये सारा कोड स्टोर हो रहा है। तो आप वर्क स्पेस में देख रहे होंगे यहाँ पे वेरिएबल्स सारे क्रिएट हो गए हैं, ए बी सी और सम। तो सम की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 25। हम चाहे तो कमांड विंडो में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। आप ये टर्मिनेटर हटा दें, देन रन करें तो आपको यहाँ पर वेरिएबल सम की वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये सम इज इक्वल्स टू 25। ओके, नाउ सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए मैंने सब एक वेरिएबल ले लिया है, a माइनस बी मैंने किया। रन करते हैं हम इसे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये सब हो गया है -1। मीन्स आपने 12 में से 13 को माइनस किया, तो स्मॉलर नंबर में से आप बिगर नंबर को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ अ नेगेटिव आंसर। सो आप इसको भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, टर्मिनेटर हटा दें, कमांड विंडो में डिस्प्ले होने लगेगा। चलिए, सबट्रैक्शन के बाद ज़रूरत पड़ती है हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सिंपली स्टार लगा करके आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो MUL लिख देते हैं a इंटू बी। सिंपल स्टार ऑपरेशन लगाया, मतलब मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे टर्मिनेटर आपने नहीं लगाया तो आप इसका रिजल्ट है कमांड विंडो में देख सकते हैं। रन करते हैं फिर से। नाउ मल्टीप्लीकेशन इज 156। नेक्स्ट ऑपरेशन डिवीजन। अब डिवीजन के लिए सिंपल मैंने वेरिएबल का नाम लिया है div इज इक्वल्स टू। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशियल्स ही लें, जैसे मैंने डिवीजन का div रखा है। आप चाहें तो अकेला डी भी रख सकते हैं, कैपिटल डी भी रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं, एनीथिंग यू वॉन्ट, बट स्पेसेस नहीं होने चाहिए उसमें तो वो वेरिएबल वैलिड है। तो डिवीजन a डिवाइडेड बाय b, टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं तो हम कमांड विंडो में उसका रिजल्ट देख पाएंगे। ये मैंने रन किया। नाउ 0.9321, ये देखिए रिजल्ट। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो 4 डिजिट तक के हमें दिख रही है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको सिंपल एक कमांड लिखना होगा, फॉर्मेट लॉन्ग। अब आप इस डिवीजन वाले ऑपरेशन को फिर से परफॉर्म करेंगे तो आपको 4 डिजिट से ज़्यादा तक रिजल्ट दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जो रिज़ल्ट हैं ये 4 डिजिट से ज़्यादा के हैं, मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्मेट में दिखाई देंगे। वापस से आपको रिसेट करना है तो आप फॉर्मेट को कर दीजिए शॉर्ट। फिर से रन करते हैं। अब देखिए, ये डिवीजन 0.9231,
जनरली हमें शॉर्ट लॉन्ग की ज़रूरत नहीं होती है, हम शॉर्ट में ही जो भी हमें डिस्प्ले करना रिज़ल्ट हम वो शॉर्ट में कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम एक पावर वाला ऑपरेशन देख लेते हैं। पावर वाला जनरली हमें जब किसी नंबर का स्क्वायर हमें चाहिए होता है तो हम पावर ऑपरेशन की हमें ज़रूरत होती है। तो पी ओ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए, हम चाहते हैं ए बी, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं ए की पावर 2। तो हम इजीली देख पाएंगे रिज़ल्ट, टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं ताकि हम उसका रिज़ल्ट देख पाएँ कमांड विंडो के अंदर। ये हमें मिल गया है रिज़ल्ट पावर 144, दैट इज़ 12 into 2। एक और ऑपरेशन हम देख लेते हैं, पी ओ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू बी, बी की पावर हम कर देते हैं 3, रन करते हैं, हम देखिए 2197। तो ये हो गए हमारे पावर। अब आप चाहें तो कुछ राउंडिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। राउंडिंग ऑपरेशन मतलब जैसे कोई डेसिमल नंबर्स हैं, आपको टू डिजिट तक उसको फिक्स कर रखना है, या उसको 4 डिजिट तक के करना है, या 5 डिजिट तक के करना है, तो वो काम आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ राउंडिंग ऑपरेशन। अब जैसे मेरे पास में रिज़ल्ट है, हम ये डिवीजन वाला रिज़ल्ट ले लेते हैं रेफरेंस के लिए ताकि हम इजीली कर पाएँ, और फॉर्मेट हम लॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट कर दिया है लॉन्ग, सेट कर दिया ताकि हमें जो भी रिज़ल्ट मिलेंगे अब हम उसको रेफरेंस में ले पाएँ। जो राउंडिंग ऑपरेशन है उसमें सबसे पहला ऑपरेशन हम कर देते हैं सील, एस ई आई एल, सील, और हमने जो डिवीजन लिया है वो, और टर्मिनेटर हम नहीं लगाते हैं तो जो भी वैल्यू होगी वो हमें कमांड विंडो में डिस्प्ले हो जाएगी। F5 करते हैं। देखिए जो सील है ऑपरेशन है, बेसिकली ये करता क्या है, इसके आगे मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। ये हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाता है। इसकी हमें कई जगह ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमें किसी भी फ्लोटिंग नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उस जगह पर हमें इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो ये क्या करेगा, राउंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलिए एक काम करते हैं, हम कमांड विंडो का फॉन्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो जाए। तो उसके लिए हमें होम पे जाना है, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में हम जाएंगे कमांड विंडो, कमांड विंडो में हम यहाँ पे फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम 20, अप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ से थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं, वर्क स्पेस भी हम चाहे तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, वर्क स्पेस इसका हम कर देते हैं 15 कर देते हैं, हमें इतनी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम 15 रख देते हैं। ओके, तो ये पहला एक ऑपरेशन हो गया सील ऑपरेशन, राउंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, एक दूसरा ऑपरेशन देख लेते हैं फिक्स। ये हमने डिवीजन किया, ये हमें किस तरफ करेगा, ये उल्टा करेगा, ये सील का उल्टा राउंडिंग करेगा, मतलब अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की जगह ज़ीरो की तरफ करेगा। राउंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं, ज़ीरो की तरफ करेगा हमें। रन करते हैं, देखिए आंसर क्या मिला हमें, ज़ीरो। तो जैसे हमारा डिवीजन का आंसर था, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर सील, नाउ देखिए यहाँ पर था 0.92, मतलब जब आप इसको फिक्स करोगे किसकी तरफ, ज़ीरो की तरफ, तो ऑब्वियसली जो पहला इंटीजर हमें मिलेगा वो मिलेगा ज़ीरो, दैट्स वाई आंसर इज़ ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। जिस भी वेरिएबल को हमें फिक्स करना है वो हम करेंगे, तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में डिवीजन में इसका आंसर अवेलेबल है। फ्लोर करते हैं, इसका भी आंसर हमें क्या मिला है, ज़ीरो।
बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ राउंडिंग कर रहा है। लेकिन जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे किसी भी नंबर पे, तो सबसे पहला जो इंटीजर मिलेगा वो इस पर्टिकुलर केस में ज़ीरो ही मिलेगा। तो हम इसको करते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी। वैसे हम चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यदि हम डिवीजन में नेगेटिव नंबर्स डाल दें तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ हमें मिल सकती है। डिवीजन इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी, इसको हम कर देते हैं माइनस, देखते हैं हमें क्या मिलता है, माइनस वन। ओके चलिए, इसकी जगह यदि हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें तो हमें कुछ अलग मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू है 100, 100 पे आप बी का डिवीजन कर रहे हो, बी मतलब 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा आंसर 7.692। अब क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया हुआ है तो ये हमें नेगेटिव की तरफ मिलेगा। तो जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो 7.69 के जस्ट बाद, जस्ट पहले वाला, बाद वाला नहीं सॉरी, उसके जस्ट पहले वाला जो भी इंटीजर होगा वो होगा -8। दैट मीन्स यदि आपको नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ करना है फिक्स, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये जो भी देखे हैं ये सारे के सारे इंटीजर के लिए हुए हैं। इसके बाद एक और देख लेते हैं, राउंड ऑपरेशन। तो राउंड हमें करना है अगेन डिवीजन, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ताकि हमें जो रिजल्ट पहले का था वही मिलता रहे। तो ये हमने राउंड कर दिया, राउंड हम यहाँ पे करेंगे, पहले रन करके देख लेते हैं। तो हमने राउंड किया, देखिए यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। जो एक्चुअल रिजल्ट था डिवीजन का वो क्या था, 0.932। मतलब अब ये हमें क्या दे रहा है, ये नियरेस्ट जो भी है उसको फिक्स कर रहा है, नियरेस्ट इंटीजर को। चलिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे a इंटू ए डिवाइडेड बाई बी था, अब b डिवाइडेड बाई a कर लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगेन 1 मिला है, 100 डिवाइडेड बाई कर लेते हैं तो ये 8 मिला है। आंसर हमें कितना मिलना चाहिए था, डिवीजन की वैल्यू थी हमारे पास, जस्ट मोमेंट फिर से हम देख लेते हैं, 8.33। तो जो भी नियरेस्ट इंटीजर है वो हमें दे रहा है। सपोज ये 0.5 होता, जैसे हम यहाँ पे राउंड कर लेते हैं, 0.8.33, तो ये हमें कितना दे रहा है, 8 पर फिक्स कर रहा है। सपोज़ 8.5 होता तो ये हमें आंसर देता 9। ओके तो जो भी नियरेस्ट इंटीजर होगा, तो ये सब हम ही जानते हैं कि यदि 0.5 है तो 0.5 को भी वो नेक्स्ट इंटीजर पे फिक्स कर देता है। तो उसके लिए आप राउंड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे राउंडिंग, इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी राउंडिंग टू नियरेस्ट इंटीजर। ओके देन ये तो हो गए ऑपरेशन, राउंडिंग ऑपरेशन के लिए। कुछ ऑपरेशंस आप और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉड्यूलस हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलस बेसिकली जब आप कोई डिवीजन करते हो तो डिवीजन में रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए होता है, तो उसी को हम मॉड्यूलो ऑपरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें यदि मॉड कैलकुलेट करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, दो नंबर्स जिनका भी हमें मॉड्यूलस लेना है आप उसको कॉमा करके लिख दीजिए, तो ए कॉमा बी, इन दोनों का मॉड्यूलस हमें मिल जाएगा। तो आंसर मिला है हमें 12, बिकॉज ए जो है मतलब वो 12 है और बी मतलब 13। 12 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन होगा वो 12 ही होगा। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 100। अब 100 13 से डिविजिबल है ऑब्वियसली, और जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो मिलेगा 9। दैट्स वाई यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए। तो रिमाइंडर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रिमाइंडर। ओके तो ये हो गया रिमाइंडर ऑपरेशन। तो आज की क्लास में हमने देखे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन है रिलेशनल ऑपरेशंस। तो एक नई फाइल हम बना लेते हैं, न्यू स्क्रिप्ट।
यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं रिलेशनल, सॉरी हम इसको सेव करेंगे, तो हम उसको रिलेशनल के नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कमांड्स लिख देता हूँ सीएलसी, जैसे हमने देखा था कमांड विंडो को क्लियर करने के लिए, क्लियर ऑल प्रीवियस वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए। आप ये चाहें तो हर एक प्रोग्राम के आगे लिख सकते हैं फॉर बेटर प्रोग्रामिंग हैबिट। कुछ वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, ए इज़ इक्वल्स टू 5, बी इज़ इक्वल्स टू 16 हम ले लेते हैं, और एक कोई रेफरेंस के लिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला रिलेशनल है कंपैरिजन। जब भी हमें कुछ कंपैरिजन करना होगा तब हम इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे या इस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इज़ इक्वल्स टू बी, जब भी हमें कंपैरिजन करना होगा तो हम यहाँ पर दो बार इज़ इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। तो इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए F5 आप प्रेस कर सकते हो या रन भी प्रेस कर सकते हो। तो यूज़ करते हैं 0, आंसर हमें 0 मिला बिकॉज ये इक्वल नहीं है। अब सपोज़ यदि वेरिएबल की वैल्यू मैं चेंज कर दूँ, सपोज़ मैंने एक वेरिएबल ले लिया है D, उसकी भी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 5, अब ये इक्वल होने चाहिए। तो A इज इक्वल्स टू D, फिर से रन करते हैं, नाउ आंसर इज 1। तो यहाँ पर कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ, इफ़ वी गेट आंसर मतलब 0 मिला तो ये हो गया नॉट इक्वल, और 1 मिलता है तो इसका मतलब होता है इक्वल। तो इजीली आप कोई कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं। मैं इसके आगे टर्मिनेटर लगा रहा हूँ ताकि मुझे इसका रिजल्ट डिस्प्ले ना हो। ओके, आप चाहे तो इसको अलग तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं कमांड विंडो के अंदर। इसके लिए आपको लिखना होगा एफ प्रिंट एफ, और आप जैसे कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, तो सो इक्वल आप दिखाना चाहते हैं यस और नो, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दो 1 या 0। तो 1 या 0 के लिए आप क्या करिए, एक रिज़ल्ट एक वेरिएबल बना लीजिए, रिज़ल्ट के आगे आप इस तरह ब्रैकेट में इसका आंसर लिख सकते हैं। तो रिज़ल्ट में हमें इसका कंपैरिजन मिल जाएगा, उस कंपैरिजन को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, और यहाँ पे लिखना है परसेंटेज डी, तो रिज़ल्ट की जो भी वैल्यू होगी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर हमें दिख जाएगी। तो टर्मिनेटर लगा देते हैं। अब यहाँ पे आपने टर्मिनेटर लगा दिया है लेकिन आप तो प्रिंट करना ही चाहते हैं, उसके लिए आपने कमांड लिखा हुआ है, तो इस तरह वो प्रिंट हो सकता है इजीली। तो ये देखिए इक्वल इज इक्वल मतलब 1 मतलब मैच्ड है। आप चाहे तो इसको कंडीशन के फॉर्मेट में भी और कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसका यूज़ करके भी आपको बता देता हूँ, ए इज़ इक्वल्स टू डी, मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि ए डी से बड़ा है या नहीं है, और यदि होगा तो आप चाहते हो कि वो दिख जाए आपको कि वो यस है या नहीं है, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकते हो। एक तो हमने डिस्प्ले करा दिया, इसको लूप को हम इस तरह एंड कर सकते हैं। अब देखिए यदि इज इक्वल्स टू, यदि ये दोनों वेरिएबल इक्वल है तो आप क्या करेंगे डिस्प्ले करने के लिए, आप लिखेंगे डिस्प्ले और जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए। यदि इक्वल है तो आपने लिख दिया यस, या और भी कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, यस नंबर्स आर इक्वल। ओके, एल्स यदि नहीं है तो आप लिख दीजिए कि नहीं है, नो नंबर्स आर नॉट इक्वल। रन करके देख लेते हैं एक बार, ये एक मैसेज हो गया, और हमने जो ये लगाई है ये है इफ कंडीशन। आप इसके अंदर चाहे तो कोई कोड भी है वो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। यस, देखिए इक्वल 1 है और यस नंबर्स आर इक्वल,
अब यहाँ पे आप देखिए, ये एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, आप चाहे तो इसकी लाइन भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n, ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है स्लैश n, ये न्यू लाइन को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। रन करते हैं फिर से, देखिए नई लाइन में आ गया ये। ओके, तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम करते हैं यहाँ पर, एक तो हो गया कंपैरिजन। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है ग्रेटर देन और इक्वल। बेसिकली ये जो ऑपरेशन है वो कुछ इस तरह का होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। आप इसको लेस देन और इक्वल्स टू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों ही तरीके से यूज़ हो जाएगा। ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल, मतलब जब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस कंडीशन के लिए यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो अगेन यही ले लेते हैं हम, ए इज इक्वल्स टू डी, ये ग्रेटर है और इक्वल्स है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी, यदि यस है नंबर आर ग्रेटर। ओके, और इक्वल होगा तो भी बताएगा, ग्रेटर और इक्वल, और यदि डिस्प्ले नहीं है तो सिंपल नॉट इक्वल नो हम लिख देते हैं बस। ओके, रन करते हैं। नंबर्स आर ग्रेटर और इक्वल, मतलब सही है क्योंकि ए और डी में से इक्वल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ग्रेटर वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करने के लिए एक बड़ा नंबर ले लेते हैं जैसे 16, तो यहाँ पे हम लग देते हैं बी, तो बी क्या है 16 है, 16 5 से बड़ा है। रन करते हैं, फिर से हमें मिल गया यस। ओके, अब एक लेस देन वाला भी ले लेते हैं। एक काम करते हैं हम इसको अलग अलग ही लिख देते हैं, लेस देन वाला। ओके, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने डबल परसेंटेज लगाया, तो एक ब्लॉक सा क्रिएट हो रहा है, इसको सेल बोलते हैं मैटलैब के अंदर। आप जब सिंगल परसेंटेज लगाएंगे तो ये कमेंट है, और आप जब डबल लगाएंगे तो ये कमेंट प्लस एक सेल क्रिएट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर हमने लगा दिया लेस देन और इक्वल्स टू, तो रन करके देख लेते हैं, डिस्प्ले आया नो। ओके, सी एल सी भी हम कर देते हैं राइट। तो लास्ट में देखिए नो हमें मिल गया, मतलब ये नहीं है। कंडीशन एक लगा देते हैं हम, लगा देते हैं 100, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सी लिख देते हैं, सी में देखते हैं कि हमें मिल रहा है क्या। यस, यहाँ पे लेस मैं लिखना भूल गया, अब यहाँ पे लेस, यस इट इज़। तो इस तरह आपने ये रिलेशनल ऑपरेशन देखें, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। आप चाहें तो सिंगल ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, लॉजिकल ऑपरेशन। तो उसके लिए पहले मैंने एक फाइल बनाई है लॉग PRO के नाम से। आप लॉजिकल नहीं रख सकते लॉजिकल, क्योंकि इनबिल्ट कमांड होती है मैटलैब के अंदर, तो यहाँ पर हम कुछ और नाम रखेंगे। यहाँ पर मैंने दो कमांड लिखे हैं CLC और क्लियर ऑल। अगेन वही, किसी भी प्रोग्राम के फर्स्ट में हमें ये लिखना ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अच्छी हैबिट है। तो यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं और फिर उसके बेसिस पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे मैंने ले लिया है एक 1 and 2 और यहाँ पर 3 and 4। तो इस तरह ये मैट्रिक्स क्रिएट हो गई है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसमें मैं एक ले लेता हूँ ज़ीरो एलिमेंट, एक ऐसे ही वेरिएबल दूसरा भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, 0 ले लिया एंड 6 and 7। ओके, चलिए रन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी, दोनों ही 2x2 की मैट्रिक्स है, और इसमें जो ज़ीरो
नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब हम इसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो ये रहे वेरिएबल्स और यहाँ से हम शुरू करेंगे ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में सबसे पहला जो ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे वो करेंगे एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है ए एन डी ब्रैकेट में ए कॉमा बी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, एंड ऑपरेशन जैसे हमें पता होता है यदि दोनों ही वैल्यू लॉजिकली ट्रू है या फॉल्स है तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ लिखते हैं उसमें वन का मतलब होता है ट्रू एंड ज़ीरो का मतलब होता है फॉल्स। तो इन दोनों ही मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पर भी मुझे लॉजिकल वैल्यू मींस जब मैं ए और बी के बीच में लॉजिकल रिलेशन फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ पर जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होगी दैट मींस वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू दैट मींस वन। जहाँ पर मुझे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यदि सेम नहीं मिलेगी मींस फॉल्स मिलेगी तो वो मुझे रिटर्न करेगा ज़ीरो। तो यहाँ पर भी मुझे ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पर भी ज़ीरो मिलेगा और यहाँ पर अगेन वन मिलेगा। तो आंसर देखते हैं, तो आंसर इसका हम स्टोर कर लेते हैं रिजल्ट में एंड इक्वल्स टू एंड ऑपरेशन। ओके रन करते हैं। नाउ ये रिजल्ट वाला पार्ट डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए तो हमें वन और फाइव की जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो वन मिली क्योंकि दोनों ही नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं दोनों ही मैट्रिक्स में। तो एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर टू और यहाँ पर ज़ीरो मीन्स यहाँ पर एक मैट्रिक्स में ज़ीरो वैल्यू है और एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें जो रिटर्न मिलेगा दैट इज़ एंड ऑपरेशन तो वो मिलेगा फॉल्स मीन्स ज़ीरो। अगेन सेम कंडीशन ज़ीरो एंड सिक्स और फोर और सेवन के लिए वन मिलेगा। ओके नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे और ऑपरेशन। और ऑपरेशन के लिए अगेन मैं रिजल्ट एक वेरिएबल बना लेता हूँ एंड यहाँ पर करेंगे हम और दो वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेशन होगा ए एंड बी। रन करते हैं इसको, तो ये जो हमें रिजल्ट मिला ये मिला वन 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 मीन्स यहाँ पर यदि कोई एक वैल्यू भी ट्रू है मीन्स नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो वो हमें रिटर्न करेगा वन। तो इन सभी की कंडीशन में हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जिसमें जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों। अब सपोज़ हम यहाँ पर ज़ीरो कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी ज़ीरो है तो हमें एटलीस्ट एक ज़ीरो यहाँ पर मिलना चाहिए रिजल्ट वाले पार्ट में। रन करते हैं फिर से, ये देखें अब मुझे ये रिस्पेक्टिव जो वैल्यू मिली है क्यों, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों ही जगह पर हमें ज़ीरो मिल रहा है दैट मीन्स फॉल्स। यदि इसमें किसी भी एक वैल्यू मुझे नॉन ज़ीरो मिलेगी तो वो मुझे रिटर्न वन करेगा और के केस में, और यदि दोनों में मिलेगी तभी वो मुझे ज़ीरो रिटर्न करेगा। ओके तो ये रहा और ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ हम जाएंगे और करेंगे नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन बेसिकली सिंगल वेरिएबल के लिए होता है। तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल हम आइदर ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, दोनों ही मैट्राइसिस में से कोई भी एक ले सकते हैं। रिजल्ट में मैं इसको स्टोर कर देता हूँ और रन करते हैं। यहाँ देखिए वन में मुझे क्या मिल रहा था, जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ थी वो देखते हैं। नॉन ज़ीरो वैल्यू वन नॉन ज़ीरो वैल्यू है, ठीक है, उसका उल्टा मतलब ये हमें ट्रू मिलना चाहिए तो उसका नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। ना अब यहाँ पर वैल्यू जो यहाँ पे ज़ीरो है ये फॉल्स वैल्यू है तो फॉल्स का मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो ये मुझे ट्रू मिल गया, अगेन फॉल्स का मुझे ट्रू मिल गया और फोर का ट्रू था तो वो मुझे नॉट होकर के फॉल्स मिलेगा। नॉट मीन्स अपोजिट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी मतलब ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू हमें करना है। देन नेक्स्ट ऑपरेशन एग्ज और, तो एग्ज और अगेन ये दो वेरिएबल्स के बीच में होगा। एग्ज और ऑपरेशन एग्ज और ब्रैकेट में ए कॉमा बी, इन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट। ओके रन करते हैं, देखें तो इन दोनों के बीच में हमें एग्ज और ऑपरेशन चाहिए।
तो XOR ऑपरेशन हमें कैसे मिलेगा देखते हैं। 1 और 5 नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट मुझे मिल गया, लेकिन इन दोनों का जो भी दोनों वैल्यू ट्रू है, मीन्स नॉन ज़ीरो है, ट्रू वैल्यूज़ हैं, ट्रू वैल्यूज़ को जब हम XOR ऑपरेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा और कैरी वन मिलेगा, तो ये मुझे रिजल्ट में ज़ीरो मिल गया। नाउ अगेन 0 एंड 0 ज़ीरो मिल गया, देन 0 एंड 6 और ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इन दोनों का ही हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, यहाँ पर दोनों इन दोनों क्या है, ट्रू है, तो मुझे ज़ीरो मिलेगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि सेम वैल्यू है तो मुझे ज़ीरो रिटर्न मिलेगा, और जब अपोजिट वैल्यू होगी, अपोजिट मीन्स एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी, तो मुझे 1 मिलेगा। तो ये रहे कुछ ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस जिसका हम यूज़ करेंगे इमेज प्रोसेसिंग में। ये हम कुछ प्रैक्टिकल वे में यूज़ करेंगे तो और भी अच्छी तरह हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये रहे लॉजिकल ऑपरेशंस, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसके बाद वाले कुछ ऑपरेशंस हैं जैसे सेट ऑपरेशन और बिट वाइज ऑपरेशन। तो सेट वाइज जो ऑपरेशन है ये हम जब किसी प्रैक्टिकल वे में हमें ज़रूरत पड़ेगी इमेज के केस में तो हम इसे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको पता होगा यदि सेट ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो जब हमें दो ग्रुप्स का जब इंटरसेक्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम उसको जो कॉमन एरिया होता है उस कॉमन एरिया को अलग 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 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ सेट ऑपरेशन। तो इसमें सबसेट भी हो सकता है, यूनियन भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें अपने सेट ऑपरेशंस में हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए ऑपरेशंस में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, आपके कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करिए नीचे, और आगे आने वाली क्लासेस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।